नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल से। बंगाल में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी एजेंडा बनाना शुरू कर दिया है, चुनावी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि सर्वे आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव में बीजेपी को झटका लग रहा है। क्या कहता है ओपिनियन पोल सर्वे में, देखिए मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें आपको बता दूं कि टीएमसी को 41%, बीजेपी को 36.64%, लेफ्ट कांग्रेस को मिलाकर 17.14% और एआईएमआईएम को 0.1% का यहां पर वोट मिल रहे हैं और अन्य को 3.98%, यानी कि टीएमसी को 41% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और टीएमसी को बड़ा फायदा हो रहा है। वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो ममता बनर्जी दावा कर रही थी कि 200 से अधिक सीटें उनकी आएंगी और बंगाल में एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी, तो उनका दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने भी खूब तैयारियां की हुई हैं, तैयारियों में खूब लगी हुई है बीजेपी, लेकिन लगता है कि अब की बार बीजेपी को असंतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को, अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और कोशिशें ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को बीजेपी की तरफ किया जाए, लेकिन वो कोशिशें नाकाम साबित होती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दूं कि ऐसा ही एक सर्वे और भी सामने आया था जिसमें ये दिखाया गया है कि अब की बार बंगाल में बीजेपी को असंतुष्ट होना पड़ेगा, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि टीएमसी को अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं। यानी कि बंगाल की जो जनता है, बंगाल के वोटर्स हैं, वो टीएमसी के साथ एक बार फिर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। ममता बनर्जी ये बात भली भांति जानती हैं कि उन्हें बंगाल चुनाव जीतना है तो उसके लिए तैयारियां खूब करनी होंगी और बड़े पैमाने पर करनी होंगी। इसके लिए ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के कई नेताओं को, कई पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जमीनी स्तर पर, जमीनी मैदान पर उतार दिया है ताकि चुनाव में जीत हासिल की जाए, चुनाव जो है उसको जीता जाए। लेकिन ये रणनीति जो बनाई हुई है टीएमसी की तरफ से, जो ममता बनर्जी ये रणनीति बना रही है, इसका फायदा वाकई में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल के स्थितियों की बात कर लेते हैं तो जो बंगाल के समीकरण हैं वो भी धीरे धीरे ये नजर आ रहे हैं टीएमसी का जो स्थिति है बंगाल में देखते हुए कि वाकई में टीएमसी को फायदा वहां मिल रहा है, बंगाल में टीएमसी को फायदा मिल रहा है। भले ही टीएमसी के कई विधायक, कई जो नेता हैं उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन ये चीज़ें बताती हैं कि उसका ज़्यादा नुकसान टीएमसी को नहीं हो रहा है। जैसे खबरें ये सामने आई थी कि जैसे शुभेंदु अधिकारी हैं या टीएमसी के और बड़े नेता हैं वो अचानक से बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी का जो पलड़ा था वो भारी हो गया था, लेकिन जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जो चुनाव की स्थितियां बताती हैं, वो ये बता रही हैं कि भले ही टीएमसी का पलड़ा कमजोर हो गया है, भले ही टीएमसी पार्टी जो है वो कई विधायकों के जाने की वजह से कमजोर हुई है, लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत अच्छे ढंग से पार्टी को संभाल लिया है। ममता बनर्जी इस राह पर निकल पड़ी हैं कि किस तरह से चुनाव जीता जाए, किस तरह से वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जाए। ममता बनर्जी ने इसके लिए परियोजनाओं की भी योजना जो है उनकी भी शुरुआत की है। उन्होंने हाल ही में एक योजना जो है वो लागू की है जिसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें भरपेट खाना दिया जाएगा 5 रुपए में। तो ये वोटर्स को जोड़ने की एक तकनीक होती है। चुनाव से पहले हर राजनीतिक पार्टी के नेता अपने अपने तरीके से चुनावी रणनीति बनाते हैं, अपने अपने तरीके से वो वोटरों को लुभाते हैं और ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं इसका
फायदा बकायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की ये जो स्ट्रेटजी बनी हुई है ये बताती है कि वाकई में ममता बनर्जी बहुत सोच समझकर काम कर रही हैं। ममता बनर्जी को आसानी से पता है कि अगर उन्हें बंगाल में सत्ता नहीं मिलती है तो उनका स्थान शून्य पर आकर टिक जाएगा। यही वजह है कि वो बंगाल को जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं, बंगाल को जीतने के लिए, बंगाल के जो वोटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए, उनको अपनी तरफ लुभाने के लिए तमाम तरह की जो कोशिशें की जा रही हैं, जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं, इसका फायदा ममता बनर्जी को हो रहा है। भले ही बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों को, कई कद्दावर नेताओं को जमीनी मैदान पर उतार दिया है, जमीनी स्तर पर उतार दिया है, लेकिन उसका फायदा वो नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि उनके जो दिग्गज नेता हैं, जो उनके जो जो दिग्गज कार्यकर्ता हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, अच्छी खासी सीटें बंगाल में मिलेगी, बंगाल में वो सत्ता हासिल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वायदा करने में और जो चुनाव की स्थिति होती है, जो चुनावी स्थितियां बताती हैं वो कुछ और बता रही हैं। और यहाँ पर जो चुनावी स्थिति बता रही है, जो बंगाल का समीकरण बता रहा है, वो ये बता रहा है कि टीएमसी का स्थान अब की ऊंचा रह रहा है, यानी कि टीएमसी को दोबारा से एक बार फिर बंगाल चुनाव में जीत मिल रही है। लोग दीदी को पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ममता दीदी एक बार फिर बंगाल की सत्ता पर काबिज हो, बंगाल की सत्ता को संभाले। बंगाल की सत्ता संभालने के लिए ममता बनर्जी काफी कोशिशें कर रही हैं, काफी हद तक वो वोटर्स के दिलों में अपनी जगह बना भी पाई हैं और बना भी रही हैं। रैलियां लगातार हो रही हैं, जनसभाएं लगातार की जा रही हैं, तो ये चीजें बताता है कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव का प्रचार किया जाए। टीएमसी का जो उन्होंने अपनी सरकार में कामकाज किया है, उसके कामकाज की जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ममता बनर्जी की तरफ से। बाकायदा जो ममता बनर्जी के विधायक हैं, उनके जो नेता हैं, पार्टी के नेता, वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वाकई में बंगाल चुनाव में कितना फायदा ममता बनर्जी को होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जो रणनीतियां हैं वो कामयाब हो रही हैं और बंगाल में कमल का जो फूल है वो खिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओपिनियन पोल की बात करते हैं तो ओपिनियन पोल बहुत हद तक सच्चाई बयां करते हैं। ओपिनियन पोल से एक अंदाज़ा लग जाता है कि सरकार किसकी बन रही है। तो ओपिनियन पोल यहां जो बता रहा है, जो स्थिति ओपिनियन पोल बता रहा है, ये स्थिति बताता है कि वाकई में बंगाल चुनाव में अब की बार टीएमसी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ओपिनियन पोल एक मेरे पास जो सामने आया, इससे पहले भी जो ओपिनियन पोल की मैं बात कर लेता हूँ, तो उस ओपिनियन पोल में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि बंगाल में टीएमसी की बढ़त बनी हुई है, यानी कि जो वोटर्स हैं बंगाल के वो ममता दीदी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने कई बार अपनी रैलियों में जिक्र भी इस बात का किया कि बीजेपी वर्ग के लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, समुदाय के लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, तो शायद इन चीज़ों का असर लोगों के ऊपर पड़ा हो, ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर गई हों, क्योंकि लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी सरकार जो है वो तोड़ विभाजित करने का काम कर रही है, कौन सी सरकार जो है वो अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जनता को पता होती हैं, जनता बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझती है और जनता अपना फैसला सुनाती है जब वोट होते हैं तब। लेकिन ये जो ओपिनियन पोल हैं ये भी जनता से पूछे गए एक राय होती है, क्योंकि जनता ही बताती है कि किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है और किसको फायदा होगा। तो जो जनता ने ही बताया है कि किसके साथ वो कितने प्रतिशत जा रहे हैं, तो बंगाल में 41% जो बढ़त है वो मिलती हुई नजर आ रही है। 41% बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बढ़त होती है, और 36.64 जो है प्रतिशत वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी को अभी इंतजार करना पड़ेगा बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।